उधर बांग्लादेश अगले महीने तो 1 लाख रोहिंगी शरणार्थियों दूर दुराडे एक टापू भेजना शुरू कर देगा। अधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना 3 अक्टूबर को इस टापू से बेघर रोहिंगी मुसलमानों के लिए नवे स्थापित आश्रम केंद्रों को अधिकारिक रूप से खोलने वाली है। यह टापू बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जिक्रयोग है कि अधिकारियों ने पहला कहा कि वह लोग मानसून शुरू होने से पहले म्यांमार की सरहद को स्थित टापू से जून तो शरणार्थियों भेजेगा, पर अजिहा नहीं हो सकिया। हुण जल सेना ने 1 लाख शरणार्थियों आश्रम केंद्रों का निर्माण काम तेज कर दिता है। प्रोजेक्ट का करीब 3/4 हिस्सा पूरा हो गया। अधिकारियों ने दसिया कि शुरुआत में 50 से 60 रोहिंगी परिवारों को अगले महीने तो पहले पड़ाव तहत उत्थे लजाया जाएगा। इतने दस दिए कि बीते साल अगस्त महीने में म्यांमार फौज की हिंसक कार्रवाई कारण तकरीबन 7 लाख रोहिंगी मुसलमान दौड़ के बांग्लादेश चले गए सन। रोहिंगी इत्थे शरणार्थी कैंपां विच रह रहे ने। इन्हां कैंपां विच ओह चैन नाल नहीं रह रहे। हड़ कुदरती आफता कारण उन्हां नूं दो चार होना पैंदा। अधिकारियों का कहना है कि शरणार्थी कैंपां विच छड़ के होर किते भी नहीं जा सकते। जिला कॉकस बाजार विच बने कैंपां विच ओह भीड़ भाड़ वाली थां उत्ते रह रहे ने ते जिथे उन्हां नूं भयानक बीमारियां हो रही ने। आफत प्रबंधक अधिकारियों ने कहा कि इन्हां लोगों नूं पूर्ण तौर ते मनुखी मदद यकीनी बनाउण लई असीं इस टापू विच भेज रहे हां।